प्रॉपर तरीके से जगह से भी काम नहीं करना चाहती, नौकरी भी नहीं देना चाहती है, और सबसे बड़ी बात रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। तो हम इसके खिलाफ आज हम रोडों पे, और ये प्रोटेस्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। और मतलब अभी हमने बात, नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूँ विकास मनहास। तो चलिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, और ये जो है जेके एसएसबी का जिस तरह से अभी एग्जाम होने जा रहा है यानी संडे को, और चलिए ये लोग जो है कैंडल मार्च और जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्वर्णवीर इस पर कर रहे हैं। चलिए इनसे स्वर्णवीर, दोबारा लाओ, दोबारा लाओ, होश में आओ, दोबारा लाओ। स्वर्णवीर, क्या है ये सब? बेसिकली हम एक गुस्सा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेके एसएसबी ने बहुत बड़ा एक गलत स्टेप लिया है, उन्होंने वेटलिस्ट खत्म कर दी है। वेटलिस्ट मतलब अभी जो अभी एग्जाम आने वाला 10 दिसंबर को एग्जाम आने वाला बीएलडब्ल्यू का, जिसमें 1395 पोस्टें हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर मतलब कुछ बच्चे अगर निकल जाएंगे वहां से, अगर क्योंकि एक और एग्जाम आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 में एफएए का, उसमें भी काफी ऐसे बच्चे होंगे दोनों एग्जाम देंगे और कुछ बच्चे वहां चले जाएंगे, मतलब पीछे काफी ज्यादा मतलब ऐसी पोस्टें खाली रह जानी है। तो मतलब जेके एसएसबी ने वो मतलब वेटलिस्ट खत्म कर दी, तो हम चाहते थे वेटलिस्ट मतलब होनी चाहिए जैसे मतलब केएस के एग्जाम में होती है, सिर्फ अपने यहाँ की बंद की। तो उसी के लिए हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लेटर भेजी थी, वहां से हमें रिप्लाई भी आ गया। वो उनने फिर ये जो चेयरमैन जो चेयरमैन जेके एसएसबी उनको लेटर लिखी है, उनने फिर आगे मैसेज किया है जो कंट्रोल मतलब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। हमारी बस एक ही डिमांड है कि जैसे आपने केएस पे वेटिंग लिस्ट रखी है, सेम टू सेम लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। जेके एसएसबी ने वो लिस्ट क्यों काटी? नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि काफी लोगों के मतलब काफी बच्चों का नौकरी का सवाल है, क्यों आप ये धांधली कर रहे हो? अभी ये जो साल 2023 चल रहा है, इसमें कोई भी जेके एसएसबी ने इतना बड़ा एग्जाम नहीं सामने रखा, और इससे पहले जितने भी स्कैम आपने देखे वो तमाम चीजें देखी, क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के बच्चों के बारे में क्या सोच रही है? इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और लगभग बहुत ज्यादा जो है बच्चों ने ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, अब जो है ना रोजगार मिल रहा है ना कोई चीजें मिल रही है। मैं समझता हूँ कि जेके एसएसबी ने एक धंधा बना लिया पैसे कमाने का, क्योंकि ये चाहते नहीं प्रॉपर तरीके से नौकरियां दें, क्योंकि 1395 पोस्टें जो भी आई है, अगर ये फुली तरीके से चाहते हैं तो वेट लिस्ट रखते ही है। ये चाहते नहीं कि पूरे के पूरे बच्चे लगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे एक और एग्जाम आने वाला 600-700 पोस्टें वहीं मतलब वो बच्चे कॉमन होने वो चले जाने, तो पीछे 600-700 मतलब पोस्टें खाली रखना चाहते हैं। ये दोबारा रिक्रूटमेंट्स करेंगे, दोबारा फॉर्म लगाएंगे, दोबारा पैसे लेंगे, दोबारा एग्जाम लेंगे, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से जगह से भी काम नहीं करना चाहती, नौकरी भी नहीं देना चाहती, और सबसे बड़ी बात रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। तो हम इसके खिलाफ आज हम रोडों पे, और ये प्रोटेस्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। मतलब अभी हमने बात होगी, जगह जगह स्टार्ट हो गया है, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक ये हमारी वेटिंग लिस्ट वाले इश्यू को सॉल्व नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, आपने कहा कि पैसे कमाने का कोशिश की जा रही है, लगभग 500 फीस भरनी है आपको फॉर्म भरने के लिए, और इसके बाद कोई भी इस बार कोई भी इस तरह के फॉर्म नहीं निकले हैं, क्या लगता है किस ओर लेके जा रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी बच्चा बहुत ज्यादा खज्जल है, एक हाईली क्वालिफाइड बच्चा भी छोटे छोटे एग्जाम को भर रहा है। अभी आप देखें बीएलडब्ल्यू के एग्जाम को मतलब फिल बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड बच्चों ने भी किया, नौकरियां नहीं है, और उसमें भी धांधली करोगे तो कैसे चलेगा? अभी देखो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब ऑलरेडी एग्जाम मतलब फिल किया, मतलब ये एग्जाम के लिए फिल किया, लेकिन बड़ी निराश है कि पता निकलेगी नहीं निकलेगी, वेटिंग लिस्ट ही सारा होता वो भी इन लोगों ने छीन लिया। मतलब आपका मिलना तो इन लोगों के साथ होता है कभी, इन सब पे बात होती है, तो क्या लोग रखते हैं राय अपनी? नहीं, आज हमने बड़े लेवल पे बात करने की कोशिश की है। पहले तो हम जब भी बात करते हैं ग्रीवेंस के थ्रू भी बात करते हैं, तो वहां से तो बात करते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोड पे ये मतलब ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर इस प्रोसेस पे बात नहीं हुई तो ये बहुत बड़े लेवल की मूवमेंट बन जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। अभी भी हम ये अभी शाम को दूसरा प्रोटेस्ट है, इससे पहले भी हमने बलेसा में जाकर प्रोटेस्ट किया था, वहां के लोग भी काफी ज्यादा आए थे। अब ये सेकंड प्रोटेस्ट है, और आप ये देखते रहो, ये प्रोटेस्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलेगा अगर ये प्रॉपर तरीके, क्योंकि जनरल डिमांड है, ये किसी पर्सनल लोगों की डिमांड मतलब किस पर्सन बेनिफिट की बात नहीं है, ये जनरल डिमांड है। 600-700 पोस्ट यहाँ वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए और सबको बात करनी चाहिए ताकि इस इशू बात हो और वेटिंग लिस्ट फिर से स्टार्ट। हजारों डिपार्टमेंट हैं और अलग अलग फील्ड में जो है वैकेंट पोस्टें हैं, और बच्चे जो है वेट कर रहे हैं कब ये सब चीजें होंगी और दोबारा से फॉर्म लगेंगे। वो पुराने दिन देखने को मिलेंगे जहां पर हजारों से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते थे, सिलेक्ट हो जाते थे, कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाता था, लेकिन अब जो है ये सब बदलाव देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होगी। हमने भी काफी बीते लगाई थी यूटी एडमिशन से कि जब यूटी बनेगी तो शायद हमारी मतलब डिमांड्स पूरी होंगी, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। बार बार एग्जाम क्वैश हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, और अभी ये भी यहाँ तक नौबत आ गई है कि अब वेट लिस्ट खत्म कर दी गई है। इनको ना बेसिकली पैसे कमाने के साधन नहीं मिल रहे हैं। एक कारण ये भी नहीं लगता कि यहाँ पर इलेक्शन हो जाने चाहिए जल्दी, ताकि यहाँ के नेता बात कर सके और इस तरह की कोई भी वैकेंट पोस्टें हैं वो उस समय वो फिलअप हो सके? बिल्कुल, ये तो हम फर्स्ट डे से ही बोलते हैं, जब भी हमारी बात होती है हम ये बोलते हैं कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी
ने यहाँ तंग जान ला के रखी है, वो जो इनके ऑफिसर है आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वो सुनने को राजी नहीं है। कितनी बार मतलब सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से जब मिलते हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जब हम बात करते हैं फेस टू फेस, वो ढंग से बात ही नहीं करते। सेम हाल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स में भी होता है। गवर्नमेंट बनी होती तो कम से कम एमएलए मिनिस्टर के ऊपर थोड़ा दबाव होता तो लोकल पब्लिक की बात सुनवाई होती, लेकिन बस यही हम चाहते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए और अच्छे तरीके से देखा जाए ताकि जो मतलब इन बच्चों का नुकसान ना हो। और वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए, हर एग्जाम में स्टार्ट करनी चाहिए। और जेकेएसएसबी को सख्त हिदायत है, अगर आप ऐसा नहीं किया वो जितना भी कुछ प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में होगी उसका जिम्मेदार जेकेएसएसबी होगा। चलिए, तमाम लोग जो है डोडा के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट के बारे में और लगातार कोशिश कर रहे हैं।